हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ये वाला नेक बनाना सीखेंगे। तो मैंने इसकी कटिंग पहले ही करके रखी हुई थी, तो मैं आपको इसका मेजरमेंट दिखा रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई मैंने ऊपर से रखी है 5 इंच है, और लेंथ मैंने 8 इंच पर इस तरीके से रखी हुई है। और स्ट्रेट में ये हमारा तैयार 7.5 इंच हमारा तैयार हो जाएगा। आधा इंच हमारा ऊपर से कट हो जाएगा जो हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो ये तैयार नेक हमारा 7.5 इंच पर हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसकी जो विड्थ है उसका मैं दोनों साइड में निशान लगा रही हूँ, और ताकि हम इसे इस तरीके से अच्छे से इस सेट कर सकें। दोनों ही निशानों पर हम इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसे पहले रफ कपड़े पर इस तरीके से अटैच कर लूँगी चारों तरफ से सिलाई लगा कर। आप चाहें तो इसे प्रेस से भी चिपका सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से सिलाई लगा कर चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे रफ कपड़े पर अटैच कर लूँगी इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके चारों तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं पहले कट कर लूँगी। 1 इंच, आधा इंच का हमें साइड में फैब्रिक रखना है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम पहले कट कर लेंगे इस तरीके से। और इसको हम इस बुकरम के ऊपर इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से अटैच कर लिया है, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं इस पर चारों तरफ से सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरीके से हमारा जो कुर्ती के लिए नेक तैयार होगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक तैयार होगा। फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें आपको समझाती जाऊंगी किस तरीके से हम अपनी कुर्ती में नेक को अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है अच्छे से चारों तरफ से सिलाई लगा कर। अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसमें मार्क कर लूँगी बीच सेंटर का। यहाँ पर मैं पहले कट लगा देती हूँ, और यहाँ पर चौक से हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने बी सेंटर में इसमें मार्किंग कर ली है इस तरीके से। तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट ले लूँगी। तो ये कुर्ती मैंने कट करके रखी हुई है। तो यहाँ पर मैं अपना जो कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट है इसको इस तरीके से यहाँ पर ले रही हूँ, और इसको ओपन कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर भी हमारा कुर्ती में बी सेंटर पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, जिससे ये दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें अपने कुर्ती के नेक को अटैच करना है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके एक बार बीच में यहाँ पर कट का निशान मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस कट को लगा लिया है, और ये दोनों ही निशानों को मैं इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर मैं इन दोनों निशानों को अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक रफ सिलाई लगा देती हूँ बीच सेंटर में। आप चाहें तो यहाँ पर पिन लगा कर भी इन दोनों कपड़ों को अटैच कर सकते हो। मैं इस तरीके से बड़ा बकिया करते हुए सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे हमें यहाँ पर पक्की सिलाई लगाते हुए जाना है। हमें बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, हमें बिल्कुल इसके पास पास सिलाई लगाते हुए जाना है, जिससे हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नीचे वाला नेक तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हमें सुई को नीचे की तरफ रखना है, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल एक जैसी आए पूरे ही नेक में। तो जो हमारी नेक का डिज़ाइन है ये हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो इसका अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट कर लूँगी। साइड में हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट करना है। यहाँ पे इस तरीके से साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे इस तरीके से कट कर लेंगे चारों ही तरफ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं अच्छे से चारों तरफ कट लगा दूँगी छोटे छोटे, ताकि ये हमारा नेक पलटने में आसानी हो जाए, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये नेक पलट जाए।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कट लगा लिए हैं चारों तरफ से, और मैं इसको आपको पलट कर दिखा रही हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा नेक बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर जितने भी हमारे इस नेक के एजेस हैं, इन्हें हमें अच्छे से ओपन कर लेना है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से प्रेस से भी सेट कर सकते हैं, प्रेस चारों तरफ से आप लगाकर इसे सेट कर सकते हो, या फिर मैं इसे आपको एक रफ सिलाई लगाकर इसको दिखा लेती हूँ। यहाँ से मैं एक रफ सिलाई यहाँ पर लगा दूँगी, बाद में हम यहाँ से तुरपाई कर लेंगे इस नेक पे। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक रफ सिलाई आपको लगाकर दिखा देती हूँ। बड़ा बकिया करते हुए यहाँ पर मैं एक रफ सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक रफ सिलाई इसमें लगा दी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी इसके बाद मैं अपना बैक वाला पार्ट यहाँ पर ले रही हूँ कुर्ती का, और यहाँ पर मैं बैक वाला पार्ट भी आपको बना कर दिखा दूँगी। यहाँ पर मैं रेप की पट्टी के साथ ये वाला नेक तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। लेंथ मैंने 7.5 पे इसकी लेंथ रखनी है इस तरीके से, और यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई 3 इंच पर रख रही हूँ ब्रॉडनेस इसकी, और ऊपर से मैं इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच पर रख रही हूँ। तो पहले मैं इन निशानों को आपस में मिलाकर एक स्क्वेयर पार्ट हम इसका तैयार कर लेंगे, और इस तरीके से इसकी राउंड शेप मैं दे दे रही हूँ। तो अब फ्रेंड्स, मैंने इसकी निशान लगा लिए हैं। इसके बाद मैं इसकी इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो हमारा ये बैक वाला नेक कट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हम ये रेब की पट्टी को अटैच करेंगे। ये मैंने कट करके रखी हुई है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच पर मैंने रखी हुई है चौड़ाई। तो ये मैंने पहले ही कट करके रख ली थी। इसके बाद अब यहाँ पर मैं कुर्ती को ओपन कर ले रही हूँ सीधा करते हुए, और यहाँ पर हम ये रेब की पट्टी को अटैच करेंगे। आप इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हो। मैं इसे ऊपर से थोड़ा कट करके और यहाँ पर इस तरीके से ओपन करते हुए स्टिच करूँगी सिंगल पार्ट में। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर पूरे में सिलाई लगाते हुए जाना है। तो मैं इसे आपको नज़दीक से थोड़ा दिखा रही हूँ ताकि आपको देखने से समझ आ जाए कि किस तरीके से हमें सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस सिलाई को कंप्लीट करना है। हमें पट्टी को और जो हमारा नेक कुर्ती का जो पार्ट है इसे हमें खींचना नहीं है, हमें इन्हें बिल्कुल एक बराबर मिलाते हुए जाना है। तो हमारा ये जो बैक वाला नेक है बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो जाएगा। इसे एक बराबर मिलाते हुए हमें जाना है, और साइड में एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी स्टिचिंग कम्प्लीट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर लिया है, और अब मैं इसमें चारों तरफ से कट लगा दूँगी छोटे छोटे, ताकि ये हमारा अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमने सिलाई लगाई है वो हमारी कट ना हो जाए, इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ से कट लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से मैं फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले बैठी सिलाई लगाऊँगी, इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है, और यहाँ पर इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर एक बैठी सिलाई लगाएंगे। जो हमने एक पैर का मार्जिन दिया है वो हमें पट्टी के अंदर दबाते हुए यहाँ पर स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते हुए जाएंगे, और बिल्कुल किनारे पर हम यहाँ पर स्टिचिंग करते हुए जाएंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। तो हमारा ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये नेक राउंड नेक तैयार हो गया है बैक वाले पार्ट में। इसके बाद हम इसको फोल्ड करके तुरपाई यहाँ पर कर लेंगे। जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं पहले कट कर दे रही हूँ। इस तरीके से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हमारा नेक तैयार हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये बैक वाला पार्ट कंप्लीट तैयार हो गया है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर इसकी तुरपाई कर लेंगे और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते हुए इसकी तुरपाई को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।